हेलो नमस्ते एंड सत श्री अकाल, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में एंड एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। ये तो आपने काफ़ी सुना ही होगा और काफ़ी अगर आप आईएलएस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपने ये भी सुना होगा आईएलएस के किसी भी सेंटर से, या आपने यूट्यूब पर वीडियोज़ देखी होगी, आपने न्यूज़ में देखी होगी। अगर नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ कि अब आईएलएस की भी रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आप कैनेडा आना चाहते हैं तो। अगर आप कैनेडा आना चाहते हैं स्टडी वीज़ा पर तो आईएलएस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि तो आईलेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपको अगर आईलेट्स का एग्ज़ाम वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम होता है और बहुत लोगों ने सुना है कि यहाँ पे इसको कि हमें मतलब फील कर दिया जाता है, हमें रिक्वायरमेंट मार्क्स नहीं मिलते, रिक्वायरमेंट बैंड नहीं मिलते। देखो आईलेट्स में कभी कोई पास या फेल नहीं होता, आईलेट्स में जो भी होते हैं आपको रिक्वायर्ड बैंड्स नहीं मिलते। जो आपको रिक्वायर्ड बैंड चाहिए उस कॉलेज में एडमिशन के लिए या आपको फॉर द वीज़ा पर्पस या उस ऑफर लेटर के लिए जो आपको कॉलेज से मिलता है, ठीक है। अगर आपके पास आईलेट्स नहीं है या आपने आईलेट्स नहीं देना चाहते तो ये चार एग्ज़ाम अब मान्यता है या आप इसके सभी एलिजिबल है। आप इन चार एग्ज़ाम में से कोई भी एग्ज़ाम दे सकते हो जो भी आपको लगे, और ये ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू आईलेट्स। अगर आपको लगता है कि आईलेट्स थोड़ा टफ एग्ज़ाम है, हम इसको नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, हमें रिक्वायर्ड बैंड नहीं मिल रहे, तो इसमें क्लियर पास करने का कोई सिस्टम नहीं होता, सिर्फ रिक्वायर्ड बैंड चाहिए होते हैं। तो ये चार एग्ज़ाम हैं, एक है सेल्फ, एक है सेल या आप केएल कह सकते हो जो भी कहो, या एक है पीडी एकेडमी और चौथा है टॉफिल। तो मैं आपको उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कौन सा एग्ज़ाम क्या है और आप कितने कितने रिक्वायरमेंट मार्क्स इसमें चाहिए होते हैं, कितने रिक्वायर्ड बैंड या कितने रिक्वायर्ड नंबर आपको चाहिए होते हैं टू गेट द स्टडी वीज़ा और टू गेट द ऑफर लेटर फ्रॉम दैट और जो आपका कॉलेज है और जिस प्रोविंस में आप जाना चाहते हो तो, और जिस कोर्स में आप अप्लाई करना चाहते हो। देखो और ये सारे कोर्स SDS कैटेगरी में ही मान्य हो गए। SDS मीन्स स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। तो क्योंकि पहले था कि अगर आपके ओवरऑल 6.5 बैंड नहीं आते आईलेट्स में और नॉट लेस देन एनी कैटेगरी में 6 नहीं आते हैं तो आप SDS में नहीं आते। अगर तीन कैटेगरी में अबव 7 है या मोर देन 6 है, 6 भी है और एक कैटेगरी में आपके 5.5 भी है, फॉर एग्जांपल आपके रीडिंग में 5.5 है और बाकी में 6-6-6 है, तो आपको तब भी आप SDS कैटेगरी में नहीं आते। तो अब अगर आपके ओवरऑल 6 भी है तो आपको चलेगा। अब पहली जो चीज़ें हैं कि ये जो एप्लीकेबल होगा फॉर्म, ये होगा जो डेट स्टार्ट होगी, ये होगा स्टार्ट 2023 इसी साल से। तो ज़रूरी नहीं कि अभी के अभी बुक करना शुरू कर देना, आराम से देख के जो आपको लगे उस पर अपॉइंटमेंट और उसमें अपना फॉर्म फिल करना। अगर आपको आईलेट्स नहीं देना है, अगर आपने आईलेट्स का ऑलरेडी फॉर्म या बुक कर चुके हो, एग्ज़ाम देने की प्लानिंग कर चुके हो, एग्ज़ाम की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो डजेंट मैटर, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। हर किसी पर्सन का अपना अपना लर्निंग है, उसकी स्पीकिंग स्किल्स है, उसका सब कुछ करना होता है। तो सेल्फ हेल्प जनरल जो होता है वो स्पेशली उनके लिए होता है जो जनरल एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जो खासकर वर्किंग वीज़ा या वर्क परमिट में आते हैं, जो PR के लिए अप्लाई करते हैं। और ये होता है सेल्फ हेल्प जनरल, अगर सिंपल टर्म्स में उसकी डेफिनेशन, कैनेडियन इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इंडेक्स प्रोग्राम। तो इसमें आपको जो पासिंग और रिक्वायरमेंट, इसमें जो ओवरऑल जो स्कोर होता है, जो बैंड होता है 0-12 होता है, और आपको मिनिमम ईच कैटेगरी में 7 आपके होने चाहिए सेल्फ हेल्प में। दूसरा आपका होता है केल या सेल, अब जो भी आप कहो, CAEL मतलब कैनेडियन एकेडमिक इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें जो मार्क्स होते हैं वो 10-90 होते हैं, 10-90 के बीच में, और आपको मिनिमम आपकी हर कैटेगरी में एटलीस्ट 60 आपके होने चाहिए। दूसरा होता है PD एकेडमी, और PD एकेडमी काफ़ी फेमस है स्पेशली इंडिया के पंजाब रीजन में, मतलब पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश, और काफ़ी बच्चे देते भी हैं। मैंने कई नोन में कॉन्टैक्ट में दोस्त भी जो पंजाब से बिलोंग करते हैं, उन्होंने भी PD का एग्ज़ाम दिया हुआ है, उन्होंने आईलेट्स का भी एग्ज़ाम दिया हुआ है। तो इसमें जो आपको रिक्वायरमेंट मार्क्स, इसके जो मार्क्स होते हैं वो 10-90 के बीच में होते हैं, और इसमें आपको जो मिनिमम हर कैटेगरी में रिक्वायरमेंट बैंड आपको नंबर चाहिए होते हैं वो चाहिए होते हैं एटलीस्ट आपके 60। तीसरा और आखिरी जो चौथा जो आखिरी जो काफ़ी फेमस है, जो काफ़ी US में बच्चे देते हैं, और US में जब भी एग्ज़ाम देते हैं तो काफ़ी फेमस है, हमने इसके बारे में काफ़ी सुना होगा, चाइल्ड्स के बारे में सुना हो या ना सुना हो, वो है टॉइफिल IBD टेस्ट। और टॉइफिल में आपके 0-120 मार्क्स होते हैं ओवरऑल, 0-120 के बीच में, और रिक्वायरमेंट आपको हर कैटेगरी में एटलीस्ट 83 आपके मार्क्स चाहिए होते ही चाहिए हर बैंड में, चाहे वो इंग्लिश, चाहे वो रीडिंग हो, राइटिंग हो, लिसनिंग हो, चाहे आपका स्पीकिंग हो, इतने आपको रिक्वायरमेंट मार्क्स चाहिए, रिक्वायरमेंट बैंड चाहिए होते हैं या मार्क्स चाहिए होते हैं टू गेट द स्टडी वीज़ा और टू गेट द ऑफर लेटर और अपॉइंटमेंट लेटर, नॉट अपॉइंटमेंट, ऑफर लेटर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कॉलेज और दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। और एक चीज़ और, ये सारे जितने भी एग्ज़ाम्स हैं IRCC से एलिजिबल है और उन्हें मान्यता दी हुई है, तो कोई इशू नहीं है। अगर आपने ऑलरेडी आईलेट्स का एग्ज़ाम या बुक कर चुके हो, डेट आप ले चुके हो एग्ज़ाम के लिए, तो डजेंट मैटर, ऐसा नहीं है कि उसको कैंसिल करना है, उसके एग्ज़ाम के लिए तैयारी नहीं करनी है। अगर आपने कोचिंग ले रहे हो तो कोई ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप एग्ज़ाम दो। एटलीस्ट जो मेरा ऑनेस्ट व्यू है और जो मैं आपको हकीकत बताऊँगा, आपकी हर बैंड में, हर कैटेगरी में सॉरी, एटलीस्ट आपके 6-6 आने चाहिए और ओवरऑल स्कोर आपका 6.5 होना चाहिए।
नॉट लेस देन 6 इन एनी ईच ऑफ द कैटेगरी। मेरे लिए मेरा ऑलरेडी आया हुआ है तो मुझे पता है, मेरी भी नहीं डूबी हुई है तो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप सोचो कि आपके 3 में 7-7 आ जाए, 7.5 आ जाए, 1 में आके 5.5 आ जाए तो आपका हो जाएगा, फिर भी आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये मैं सोचना कि नहीं पड़ेगा, आपने अपॉइंटमेंट ले लिया, ऑफर ले लिया है, आपने एग्ज़ाम टेस्ट बुक कर दिया, आप कोचिंग ले रहे हो तो एग्ज़ाम दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं 60-70% लोगों का यही मानना है कि उन्होंने एग्ज़ाम दिया और उनको रिक्वायरमेंट नहीं मिली है। तो ये है और नहीं भी है, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता मैं कि वो धंधा करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, क्योंकि 15-16 हज़ार रुपये तो लगती है फीस, 15,520 का भी चार्ज है इंडिया में। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करनी थी। बाकी कोई भी आपको कुछ कमेंट कुछ पूछना हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी आपको कुछ पूछना चाहते हो या कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो ज़रूर शेयर करना। आपस में एक दूसरे से मिल के ही सीखेंगे और कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास होगी तो आपको मैं शेयर करूँगा। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन को यूज़ करिए और सबके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करिए। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योर लाइफ एंड ऑल द बेस्ट जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं फॉर द कमिंग फ्यूचर। टेक केयर, गुड बाय।